वोटिंग के दिन को हॉलीडे की तरह एंजॉय करने वाले और वोट नहीं डालने वाले लोगों के लिए ये शख्स एक मिसाल है। इटावा के करणपुरा वार्ड में रहने वाले स्वर्गीय श्री प्रदीप दुबे जी के पुत्र श्री सागर दुबे जी ने अपने पिता के निधन के बाद भी मतदान दिया और एक मिसाल खड़ी की। उनका कहना है कि करणपुरा वार्ड उनका परिवार है और इस परिवार ने मतदान के रूप में अपने जनप्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जब उनके पिता का निधन हुआ तो उनके घर में मातम छा गया। सांत्वना देने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदार पहुंचने लगे, लेकिन इन सब के बीच सागर दुबे अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूले और अपने पिता के लिए मतदान करने पहुंच गए और बेहद ही अनूठे अंदाज में उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने पिता की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का भी वादा किया। ऐसे में कहा जा सकता है कि अपने पिता के निधन के बावजूद भी इन्होंने मतदान को प्राथमिकता देकर एक मिसाल खड़ी की है। आप भी इनसे सीख लीजिए, साथ ही अपने मतदान का सही इस्तेमाल कीजिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिए।